नमस्कार। दशिश न्यूज का खास कार्यक्रम विधायक जी का बही खाता में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के में और आज हम जानेंगे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से उनके बही खाता के बारे में। उन्होंने 5 साल में क्या किया, 5 साल में जनता के बीच उन्होंने शिक्षा हो या बुनियादी सुविधा हो या सड़क हो, इस मामले में इन सभी चीज़ों पर उन्होंने जनता को कितना सुविधा दिया, पहले तो हम विधायक जी से जानेंगे, उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अभी हमारे बीच बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी मौजूद हैं, पहले इनसे जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि जनता से कि क्या जनता को वास्तविक में मिला नहीं। चलिए, क्या अभी तक क्या 5 साल में आपने, पहले तो आपको धन्यवाद दे लेते हैं कि आपने भाई देहाती क्षेत्रों में आने का काम किया है। हमने 5 सालों में, आप जानते हैं कि मैंने अपना जो निजी कोष होता है 2 करोड़ रुपया जो निजी कोष होता है, उससे हम सभी जगहों पर चबूतरा सेठ छतदार चबूतरा बनाया, मेरी पहली प्राथमिकता रहा था। वो करीब हमने 100 से अधिक चबूतरा छतरा चबूतरा बनवाया, कुछ सार्वजनिक जगह पर मैंने समुदाय भवन का भी निर्माण कराया और कुछ जगहों पर चापाकल कम संख्या में हम कुछ जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर चापाकल बनाया, बाकी कुछ जगहों पर मैंने सीढ़ी भी बनवाया है। बहुत सारी 2 करोड़ का जो है एक गांव का, तो समझिए कि 300 गांव में 2 करोड़ से क्या होना है, लेकिन मैंने सभी जगहों पर जो होना था मैंने सार्वजनिक काम पूरे पैसे खर्च कर दिए। मेरा पैसा बचा हुआ नहीं है, मैंने सब पैसा लूट लिया हूँ, बाकी विभाग अपना काम कर रहा है। सड़क के क्षेत्र में बात करें तो सड़क में क्या काम किया है? अरे, काम की अगर बात करिए सरकार तो हमारी जो चुनाव है 15 साल बनाम 15 साल, उनकी 15 साल की गाथाएं पूरे बिहार के एक एक जनता जानती है कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दियारा क्षेत्र में जाइए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कृपा है, माननीय नीतीश कुमार जी का कृपा है कि 4-5 पंचायत में बिजली नहीं था, उस सभी जगहों पर बिजली लगने का काम किया है। और उसके लिए इतने नहीं, उस 4 पंचायत के लिए स्पेशल पावर ग्रिड का निर्माण का काम चल रहा है। दियारा क्षेत्रों में कहीं पे सड़कें नहीं थी, लेकिन 5 साल के अंदर हमने सड़कों बनवाने का काम किया है। टाल क्षेत्र में जाइए, घान वारमिसी पंचायत में, तो हम लोगों ने घान पंचायत के लोगों को 2 करोड़ से अधिक की लागत से पक्का पुल घान में बनवाने का काम किया। आपको जाइए वहाँ मिसी टू सिरसी के लोगों को आता के लिए भी मैंने 2 करोड़ से अधिक कुछ लागत से पुल बन के तैयार हो गया। तो देहाती से देहाती क्षेत्र, दनियावा की बात करिए, कुछ जगहों पर हमारी सड़कें टूटा हुआ था। हाल फिलहाल आप जानते हैं कि तोप में भी कुछ लोगों ने अनशन भी किया था, कोई बात नहीं, उनके कर्तव्य है, अधिकार है, लेकिन उस 7-8 किलोमीटर का वो भी रोड का संविदा हो चुका है, परसों पेपर में आया है, वह जल्दी में काम लगने वाला है। कहीं भी अगर टूटा फूटा सड़क, पहले तो सड़क सब टोला मोहल्ला तक पहुंचाया गया, कुछ सड़कें हमारी टूट गई थी, उसको MR के तहत हमारी सरकार ने उसको प्राथमिकता दिया है, और सभी सड़कों का टेंडर हो गया है, काम चल रहा है पूरा सड़क। हम समझते हैं कि काम पूरी सड़क का जाल बिछ जाएगा। मैं आपको माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो चमत्कार हुआ है। हमारे क्षेत्र में तो गर्ल्स जो प्लस टू विद्यालय है, गर्ल्स हाई स्कूल जो बख्तियारपुर में थाना के पास है, मुख्यमंत्री जी ने बिहार के एक मॉडल स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें 14 करोड़ की लागत से विद्यालय बन रहा है। आपको मैं शिक्षा के क्षेत्र में, बख्तियारपुर में तो इतिहास है, जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना था, जो बख्तियारपुर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने बख्तियारपुर में 80 करोड़ की लागत से इंजीनियर कॉलेज बनाने का काम किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में भी आज जो रिजल्ट हो रहा है चमत्कार है, 15 साल में ही तो मेरी चमत्कार है। शिक्षा के क्षेत्र में साथ भी विद्यालय भवन बन रहे हैं, हमारे टीचर की कुछ कमी है उसकी पूर्ति किया जा रहा है, सारे काम शिक्षा के मामले में हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा।
कई लोगों का शिकायत रहा है कि विधायक जी जो जैसे दनियाना में ही कुछ दिन पहले शिकायत आई थी कि विधायक जी जो अच्छे कर्मठ पदाधिकारी उनके भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं और बिचौलियों का करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो जो वीडियो थे उसके बारे में मैंने बारे में तरह तरह की टिप्पणी हुआ था। उस वीडियो जो है कोई नहीं वो ईमानदार आदमी नहीं था, एक नंबर बेईमान आदमी था। इसलिए उस वीडियो के कुछ दलाल के लोगों कुछ लोगों ने इसी झूठ मूठ शिकायत कर रहा है, आज जाइए वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी वर्तमान में आए हैं, एक नंबर काम कर रहा है और पूरे क्षेत्र में आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का वहाँ स्थिति बड़ी ख़राब था। आज प्रधानमंत्री आवास माननीय बी डी ओ साहब से मेरी बात हुई है, हमने बोले कि प्रधानमंत्री का आवास का जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द पूरा करिए और काम कर रहे हैं। अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से अभी जो जनसंपर्क ज़्यादा तेज हो गया होगा, किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? जनता का तो मैं जा रहा हूँ, सारे गरीब लोग खुशहाल हैं, खुश हैं। उन्होंने स्पष्ट कहता है कि आज तक कोई सरकार ने झोपड़ी में गैस नहीं पहुंचाया, सभी जगहों पर 80% लोगों को शौचालय सरकार ने बनाने का काम किया है। आज कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 महीना तक के अनाज को मुफ्त में देने का काम किया, इसलिए जनता में काफ़ी उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी कार्यों से उत्साह है। इसके लिए आज जनता, गरीब जनता आज जो है फिर से एनडीए में बिहार में एनडीए का सरकार लाने जा रहा है और काफ़ी बहुमत से, उनको ही जानता है, सब लोग जानता है, पूरे बिहार के लोग जानता है कि लालू राज की 15 साल की कथाएं सब जानता है। वो कथाएं फिर से दोहराने वाला नहीं है, गुंडागर्दी की सरकार लाने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनने जा रहा है, भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है, हम लोग 200 पार करने जा रहे हैं। एक शिकायत और भी है, कई जगहों से मिला है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि बराबर आते हैं भोज खाने, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आदमी 5 साल के बाद आए ही नहीं, तो क्या इस शिकायत को कहते हैं? ये शिकायत तो कोई कर नहीं सकता है कि आए नहीं, इसलिए कि मैं 5 साल के अंदर एक दिन मैं पटना में भी रहने का काम नहीं किया, मैं प्रतिदिन क्षेत्र में रहा। मुझे सरकार 3 लाख रुपया का कूपन देता है कि जाइए और टूल में घूरिए, भी अपने परिवारों के साथ ले जाके घुराइए, लेकिन 15 लाख का कूपन मेरे घर पर रखा है, लेकिन मैंने कोई भी स्टेट कोई भी देश घूरने नहीं गया, एक रात पटना में नहीं गया। हम जरा सब जगह दुख सुख में जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा विरोधी लोग कहते हैं कि यह जो है भात खाने वाला विधायक है, जहां भात के नौता दे दो, जहां छठी चिल्ला के नौता दे दो, जहां मरनी के नौता दे दो, लल्लू मुखिया जरूर जाएगा। हम जाते हैं, उसका भी उपलब्धि आज जो हम क्षेत्र में जानते हैं जाते हैं तो उसकी उपलब्धि आज एहसास हो रहा है कि हम लोग जो गए उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। आप पूर्व वाला तो कभी गेवे नहीं किया तो उसका इलाज तो हो ही गया, अगला बार भी जनता इलाज किया, महागठबंधन में हम उसको हराने का काम किया, आज तो हमारे साथ माननीय नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, इसलिए इस बार तो उसका क्या हाल होगा जो तो आप जानवे करते हैं, सारा दुनिया जानता है, पूरे बख्तियारपुर के लोग जानता है कि लल्लू मुखिया इस बार जितना विरोधी को वोट आएगा उतना लल्लू मुखिया इस बार जीतेगा, सारा विरोधी और जनता जान रहा। लास्ट सवाल, आपका जो विधानसभा क्षेत्र में 40,000 की आबादी वाला अभी दियारा क्षेत्र है, उसकी कटाव हर साल होती है और एक मुद्दा बना हुआ है, उसके लिए आपने 5 साल बताता हूँ। इस बार भी कटाव का फ्लड का कार जो है 9 करोड़ का फ्लड का हम लोग कार्य करवाए हैं, बड़ा पिचिंग करवाया गया है, हम लोग कटाव के बल पर कटाव रोके हुए हैं, नहीं तो कभी दियारा के लोग कट जाते। इस बार प्रत्येक साल 8 से 9 करोड़ रुपया हमारी सरकार जल संसाधन विभाग के माध्यम से खर्च कर रही है और कटाव को रोकने का पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और कटाव रोका हुआ है। यानी आपका मानना है कि इस बार विकास साल में किया है उससे जनता काफी खुश है? अरे जनता खुश है, इस बार पूरा बिहार की जनता खुश है। बख्तियारपुर की बात करें, बख्तियारपुर तो जानवे करते हैं, हमारा आप जरा देखिए, हमारा कल चौड़ा पंचायत में कार्यक्रम था, जनसंपर्क था, जन सैलाब था, लोगों में काफ़ी उत्साह था, हमने घांग पंचायत का दौरा किया, लोगों में काफ़ी उत्साह था, हमारा फेसबुक चेक करिए, लोगों का उफान लगा है कि लल्लू मुखिया को इस बार फिर से विधानसभा में भेजना है। एक बार मेरा फेसबुक
800 प्रजा चेक कर लीजिए मेरा जनता का जन सैलाब कैसा चल रहा है। तो ये है बख्तियारपुर विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, इनका मानना है कि 5 साल हमने जो विधायक जी का कोटा होता है 2 करोड़ वो मैंने पूरा खर्च कर दिया, उसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो इतनी योजनाएं थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बख्तियारपुर में काम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र वो ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे बिहार में जातिगत राजनीति होती है, तो बख्तियारपुर विधानसभा उससे अलग चलती है। इससे पहले जो लल्लू मुखिया जिस वक्त जीते थे उस वक्त महागठबंधन का होड़ था, और वैसे में इनका जो जातिगत राजनीति यहाँ बख्तियारपुर में जिस तरह के हैं वैसे में इनका जितना भी एक पहले के जो विधायक थे उनके लिए काफ़ी फीडबैक था। इससे पहले बता दें जो अनुरुद्ध जी जो थे इनसे पहले के विधायक थे उस समय जब 2200 सीट NDA लाई थी उस वक्त यहाँ की जनता ने अनुरुद्ध को हराने जिताने का काम किया था। तो यहाँ की जनता जो है विकास देखती है, जो विकास करेगा वो उसे जनता ताक में नहींगी और जो जनता जो विकास नहीं करेगा उसे सड़क पर लाएगी। अब देखना होगा कि रणविजय जी की बातों में कितना सच्चाई है, जनता के बीच कितने सच्चे खड़े उतरे हैं ये तो जनता के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद हम चलेंगे जनता के पास, अभी हम तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पहुँचते हैं जनता के पास। ब्रेक के पहले आपने देखा बख्तियारपुर विधायक रणविजय यादव लल्लू मुखिया आपने कई तारीखों के पुल बांधे, 5 साल में उन्होंने कई बातें बताए विकास करने का, वो कितना विकास किए हैं कितना वो खर्च किए हैं इस पर मोहर लगाने के लिए हम अभी आए हैं। पूर्व विधायक RJD के पूर्व विधायक अमरुद यादव जो कि लल्लू मुखिया ने इन्हीं को हराकर विधायक बने थे, और इस बार जो है पूरी दमखम लगा चुके हैं। इस बार उनका कहना है कि हर हाल में हम इस बार चुनाव जीतेंगे। तो पहले जा रहे हैं कि ये बताइए कि उनका कहना है कि जो विधायक को उसका 2 करोड़ जो आता है वो मैं पूरे के पूरे खर्च कर दिया। 2 करोड़ पहला साल, उसके बाद 3 करोड़ करीब 14 करोड़ रुपया टोटल वो चापाकल के दलाली में खत्म किया और क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पूरे विधानसभा में हमने सेठ बनवाए, समुदाय भवन बनवाए, कटाव में जो होता था उसके लिए कुछ करवाया गया है, ये सब सच है। उसके लिए हम आपको यदि समय दीजिएगा तो हम भी सूची रखे हुए हैं। 1 करोड़ में पूरा क्षेत्र में 5 साल चला, सेठ रहे जो भी काम रहा पक्का वर्ड, बाकी 14 करोड़ रुपया सिर्फ चापा करके दलाली में रखे जिसमें 60% उन्हें आर्थिक आमदनी हुआ। समुदाय भवन या चबूतरा बनवाने की बात है कितना सही है? हम बता रहे हैं ना कि 14 करोड़ रुपया मिला, उसमें 1 करोड़ रुपया में पूरा क्षेत्र में सेट है समुदाय भवन है टोटल आइटम का, चापाकल छोड़ दिया, बाकी जो 13 करोड़ रुपया है वो सिर्फ चापाकल लड़ाया। चापाकल में 60% आमदनी होता है उसका, अपने दलाली किए अपने ठेकेदारी किए कोई एक कर्जकर्ता को किसी को, लेकिन उनका कहना है कि हम चापाकल तो बहुत करवाए हैं। तो सूची आप जिला योजना पदाधिकारी से सूची निकलवा लीजिए, मेरे पास भी निकाला हुआ है और हाथ कंगन को RC किया तो लिस्ट देखिएगा, चापाकल छोड़ के कुछ है नहीं है। और चापाकल के यदि हिसाब मिल बैठिएगा तो बता देंगे 60% कैसे उनको बचत है। सर सड़क का निर्माण वगैरह कहीं पर? सड़क का निर्माण कहाँ कहीं हुआ, हमने 5 साल के टाइम में 300 किलोमीटर सड़क बना, इनके 5 साल के टाइम में 25-30 किलोमीटर सड़क बना है, वो भी मरम्मती का न कि नई न्यू कंस्ट्रक्शन में 5 किलोमीटर नहीं होगा। एक चीज और हम देखा है अभी उनके विधायक के घर पर गए थे और उनके घर जाने का पर इतना ज़्यादा कीचड़ था गड्ढा था, तो क्या वो आपसी द्वंद्वता गांव में भी उनको लोग नहीं चाहते, उसके वजह से उसको दिखाते हैं कि हम जैसा पर चाहेंगे तुम वैसे पर चलोगे, इसलिए उतना तुम जान से निजी दुश्मनी के चलते उतना तुम छोड़ दिए। यानी गाँव में भी में लोग जाने वाले थे?
गांव में भी यदि वह अपना सम्मेलन करा ले, हम करा ले, देख लीजिएगा, चाहे आप भी बाहर भी देख लीजिए, जहाँ का सम्मेलन वहाँ भी आप लोग देखे होंगे, जरूर से पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। तो अब माना जाए कि इनका जो मानना है कि 14 करोड़ राशि, जबकि विधायक जी ने हमें बताया था कि 2 करोड़ राशि भी उन्हें प्राप्त हुआ था, जबकि इनका कहना है कि 14 करोड़ राशि प्राप्त हुई थी और 14 में 1 करोड़ खर्च किया, 13 करोड़ सिर्फ कागज पर ही है। कागज पर नहीं है, चापाकल का दलाली किए, चापाकल का रहे, चापाकल में 60% बचत हुआ। 1 करोड़ का काम किए, ये रोड काम समुदाय भवन है चबूतरा है, 1 करोड़ का, और बाकी 13 करोड़ का चापाकल का योजना बना, जिसमें 60% उनको शुद्ध मुनाफा हुआ, जिससे वो होटल आकाश का विकास किया। गली गली में घूम कर सरकार की योजनाओं की बात करते हैं कि यहाँ कॉलेज बना है, कविताओं में ये शिक्षा के में विकास हुआ है, क्या ये सब सच है? आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मांझी जी की सरकार बने थे, उस टाइम हम लोग गठबंधन में थे, जदयू राजद का गठबंधन था, माधो सिंह के घर के पास शिलान्यास हुआ था, उसमें हम भी थे, नीतीश जी थे, ललन सिंह जी थे, जिसमें बख्तियारपुर समुदाय भवन का शिलान्यास हुआ था, उसी दिन जदौर का इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, हम लोग उसमें 5 साल लगा रहे कि किसी तरह हमने टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए। अब वो कहते हैं कि हम कराएं, तब तो अब आप ही लोग पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। अब नंबर परसेंट खोजा जाए कि विकास 5 साल में उनके विकास का कितना परसेंट रख के देंगे? जीरो। विकास उनके 5 साल में, जब हम लोग का टाइम में था, हम लोग विपक्ष में थे, 300 किलोमीटर सड़क बना और उनके टाइम में 5 किलोमीटर बना, 20 किलोमीटर मरम्मत हुआ, इसका आप बताइए कि कितना देना चाहिए? नहीं, हम तो आपसे जाना चाहिए, हम तो जीरो देना है। तो ये है पूर्व विधायक आरजेडी के अनुरूप यादव, इनका मानना, हालांकि विधायक जी ने बड़ी बड़ी बातें कही विकास के नाम पर, लेकिन इनका मानना है कि विकास जीरो है, 1% भी जो विधायक को जो विकास करना चाहिए उनके हिसाब से 1% भी विकास नहीं हुआ है। अब इन सबों के बीच हम जनता के पास चलेंगे और जनता बताएगी कि वास्तविक में विधायक ने विकास किया, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है और बख्तियारपुर का इतिहास रहा है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको घर बैठना पड़ेगा। अंकुर बायो क्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर WHO के मापदंड पर 100% खरा, झारखंड का पहला हैंड सैनिटाइजर जिसमें है 80% अल्कोहल, 99.9% कीटाणु मारने की शक्ति, कोरोना से बचाव में सबसे बेहतर सैनिटाइजर अंकुर बायो क्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर, आपको रखे स्वच्छ, आपको रखे सुरक्षित। विधायक रणविजय यादव ने लंबी चौड़ी अपने विकास की बातें तो कर दिया, हालांकि उस पर जो पूर्व विधायक है अनिरुद्ध यादव थे, उन्होंने उनको 0% दिया। अब देखना है जनता क्या कहती है, 5 साल में विधायक ने क्या कार्य किया, क्या वाकई में विकास किया या नहीं किया, इस पर मोहर जनता है, क्योंकि जनता को ही वोट करना है और जनता ही मालिक होता है लोकतंत्र में। अब बताइए सर, 5 साल में जो अभी वर्तमान विधायक ने क्या काम किया, आपके इच्छा में कुछ काम किए नहीं किए? काम अभी तो तक तो नहीं देखे हैं, हम जो भी काम है हम लोग का गली चट में देख लीजिए, यहाँ से लेकर हाईवे मिलता है, रोड सारा पानी गढ़ा है, कमर भर पानी लगता है, जाके देख लीजिए, वीडियो भी देखे। कितने दिनों से है ये समस्या? क्या ये समस्या कितने दिनों से? 2-3 साल से है समस्या। ये समस्या तो बहुत पहले से है, लेकिन इधर पानी ज़्यादा रोड बना था। उनका कहना है कि कई जगह समुदाय भवन, चापाकल, रोड के कई विकास के साथ किए हैं तो वो वहाँ के जो हाईवे से जो मेन सड़क मिल रहा है वो उसका ना पहले होना चाहिए, फिर ये सड़क जब तक नहीं होगा तब तक वो बना दिए भवन के पास उनको जाने में कमर भर पानी लगेगा तो आम पब्लिक कैसे जा पाएगा। तो एक खुसरूपुर बाजार में हम अभी खड़े हैं, बता दें ये बख्तियारपुर विधानसभा का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र माना जाता है,
आपके क्षेत्र में क्या काम किए जिनका, जैसे उनका कहना है कि सामुदायिक भवन बन रहा है तो क्या उन्होंने कहीं भी विकास दिया है या नहीं? विकास अगर गांव में कहीं कहीं पर हुआ है तो हम लोग को नहीं, आम जनता को उससे लाभ हो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं। खुसरूपुर बाजार में विकास की बात करें तो खुसरूपुर बाजार में तो विकास हमको कुछ नहीं अभी दिखाई दे रहा, कहीं भी कुछ अपना ऐसा सामुदायिक भवन या कुछ दिखा रहे हैं तो यहाँ तो बाजार में कुछ जगह। हम लोग बाजार के लोग अगर रोड पर जाते हैं, पटना जाते हैं, तो जाने का जो साधन है, जो रोड है, वहाँ का रोड का स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों को फोर लाइन पर चढ़ने वाला रोड ऑफिस ने बहुत दिनों से उसके डिमांड हो रहा है कि किसी तरह से उसका मरम्मत हो जाए, उसका बनाया जाए ताकि लोगों का साथ, लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा। ये हम 5 साल तो अब लगभग होने को है लेकिन अभी तक तो कुछ उसका निदान हुआ नहीं। पानी का समस्या जगह जगह जाम लगा हुआ रहता है। यहाँ से नेशनल हाईवे, पुराना नेशनल हाईवे जाते हैं उधर भी रास्ता में पानी लगा हुआ है जिसमें कि हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और इस तरफ तो मैंने है जो, तो जब भी जाइएगा अगर बारिश के टाइम में जाइए तो जा नहीं पाइएगा, नाली का भी वही स्थिति है। तो कहीं पर तो हम नहीं देख रहे हैं कि यानी बुनियादी सुविधा से आपको कोई राहत नहीं मिला है। आप इससे पहले विधायक थे, दोनों की तुलना करें तो क्या? देखिए अभी तक कुछ नहीं किए, 5 साल में वो अपना वो आकाश होटल बनवाया है और कुछ नहीं किया है। दोनों में तुलना किया जाए तो, दोनों में तुलना किया जाए 5 साल पहले चलिए थोड़ा बहुत काम हुआ था, अभी तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से हाईवे बढ़ जाइए इतना पानी लगेगा बढ़ो मास, मतलब अभी तो बरसात ना है, बैसक्खा जेठ असार सब दिन पानी लगता है। आप लोग आप यहाँ तो बराबर आते रहते हैं, आते रहते हैं। एक बार वीडियो वायरल यहाँ का हुआ है, एक आध हर बार वीडियो वायरल हुआ है, आते हैं देख कर चले जाते हैं। आते कहाँ, इलेक्शन है तब अभी घरे घरे घूम के किसी को चापाकल दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, चापाकल लीजिए या वोट दीजिए, और कुछ नहीं हुआ है। जनता का मानना है कि विधायक जी ने 5 साल में भी कोई विकास नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्होंने किया आप नहीं बता सकते हैं। क्या किए हैं विकास, आपको विधायक जी क्या विकास किया है 5 साल में, क्या उनकी उपलब्धि रही है? अभी सब उन्हें चढ़ने पर सब पानी है रोड पर भी, तो अभी तो बरसात का 5 साल हो रहे हैं, 5 साल में कुछ आपके यहाँ चापाकल करवाया है? चापाकल करवाया रोड बनवाया, चापाकल कहीं कहीं दिए हैं, चापाकल दे रहे हैं, सामुदायिक भवन वगैरह बनवाया है, शेड बनवाया है, वो सब कुछ। आपके यहाँ आते हैं? आते आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये इनका मानना है। अभी जो वर्तमान विधायक है, हम उनकी उपलब्धि की बात कर रहे हैं, 5 साल के क्या उनके विकास के बारे में बात कर रहे हैं, क्या किस तरह का विकास बाजार में किए होंगे या देहात वहात में तो किए हैं सुनते हैं, लेकिन बाजार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब गांव में किए होंगे तो गांव तो जाते नहीं है श्रीमान, अब वहाँ क्या किए क्या नहीं किए वो तो वही लोग जाने, वहाँ के जो लोग हैं वो बता सकते हैं। बाजार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है विधायक जी के सर्वजन से कुछ, वैसा जो पहले है वही हो रहा है। अगर विधायक जी के विकास के पर आपको नंबर देना पड़े तो कितने परसेंट अंक देंगे? अभी कहा जाए अभी उसमें हम कुछ नहीं कर। ये बताइए कि आपके विधायक 5 साल बाद आप ही के वोट से वो हटते हैं, वही आप ही के वोट से बैठते भी हैं, क्या 5 साल में उन्होंने क्या ऐसा किया जिसको कि आपको उनको वोट करेंगे या नहीं? सर वोट देखिए सर अपना मने हक था ठीक है ना, तो विकास उन्होंने क्या किया? विकास सर विकास के बारे हम क्या बोले, विकास तो सर जनता जाने ना क्या किया नहीं किया। आपके आपको देख रहे हैं आप भी जनता है, हम देख रहे सर जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम वोट देंगे, क्योंकि अपना मतदान है। वोट आप किन्हीं को दे, आपके 5 साल जो आपके पास विधायक रहे हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया है, कुछ काम प्रगति कुछ देखे हैं? प्रगति सर कह रहे हैं ऐसा बात नहीं है, तो एक व्यक्ति मिले नहीं, इनका कहना है कि प्रगति तो कर रहे हैं विकास किए हैं, कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा क्या बोल रहे हैं ना, ये छोटे दुकानदार हैं, ये मतलब आपके विधायक जो है एक उम्मीद रहता है विधायक से, क्या जो जिस उम्मीद से आप वोट किए थे क्या खड़े उतरे हैं? नहीं वैसे कुछ किए नहीं, आए हैं गए हैं बस घूमे फिरे, आते जाते हैं, आते जाते हैं, काम तो ऐसा कुछ हुआ है। विकास की बात करें तो जैसे था सब बिहार सरकार विकास के दावे करती है, तो उस अनुरूप में आपको विधायक भी हम बात करते किए हैं या नहीं?
ये है जनता, और कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। आपका घर यही है खुदरुपुर गाँव में पड़ता है। आपके विधायक जी को अभी कौन है विधायक जी? क्या आपके लिए क्या किए हैं अभी तक कोई विकास का कार्य? गांव में कुछ नहीं है। इस बार वोट करना होगा तो किस आधार पर आप वोट करेंगे? समय आएगा तो विकास के नाम पर, जात के नाम पर, किस आधार पर? विकास के नाम पर किया जाता है। इनका मानना है कि विकास के नाम पर ही वोट होगा, लेकिन विकास कुछ नहीं किया है। अब देखना होगा कि जो जनता क्या जो सोचती है वोट के मामले में, अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि क्या क्या करेंगे। लेकिन एक ये इनके दबी जुबान से इनका ये जरूर मानना है कि पाँच साल में विधायक ने कोई काम नहीं किया। एक तो जब अभी हम बात कर रहे हैं विधायक जी से, पाँच साल से क्लियर कर रहे हैं, क्या विधायक जी ने क्या अब तक किया है जो जनता उन्हें सुन सके? अगर देखा जाए तो ईमानदारी पूर्वक जो झूठी दिलासाएं आशा दी गई है और उसके सिवा यहाँ की जनता को कुछ मिला नहीं, जनता ठगा सा महसूस कर रही है। बुनियादी आवश्यकता तो जो पड़ाव पे है ही, जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती है वो तो आप खुद एक पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, लोगों से भिन्न भिन्न लोगों से विचार दे रहे हैं, आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जनता के मन में कितनी निराशा है और परिवर्तन की चाहत है। इसलिए जो आशाएं थी उस पर पानी फिर चुका है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, आशा बहुत आशा थी इनसे और आशा के पर ही इस तरह से बख्तियारपुर विधानसभा में और बिहार में जो जातिगत राजनीति होते हैं उसके अनुरूप इन लोगों ने इस बार वोट किया था। लेकिन इनका मानना है कि आशा के अनुरूप काम होते हैं। आप बताए थे आपके नजर में क्या विधायक ने क्या विकास किया है? विकास किए हैं लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। विकास हुआ है, विकास हुआ है। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है, वोट वो कैसे करेंगे ये तो, हालांकि अधिकांश लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर ही वोट होगा। लेकिन ये दबी जुबान से ये जरूर लोग कह रहे हैं कि खुशरूपुर बाजार में जहां हम खड़े हैं वहां पर विकास न के बराबर हुआ, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है। तो ये है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय, और जो विधायक जी ने जो बड़े बड़े दावे किए उनका उनके विरोधी ने तो उसे 0% दे दिया, लेकिन जो जनता से हमने बात किया वहाँ भी लग रहा है कि इनका परसेंट 0 पर ही आ रहा है। आगे हम चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में और वहाँ जानेंगे विधायक जी के बही खाते के बारे में।